बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट ईयर का एक आर्टिकल है, एनर्जी। ये वर्क एनर्जी का जो चैप्टर है उसके अंदर जो है हमने ये पढ़ना है। तो ये एनर्जी बेसिकली क्या होती है? किसी भी बॉडी की, किसी भी एजेंसी की वो एबिलिटी, वो काबिलियत, वो कैपेसिटी जिसकी वजह से उसमें काम करने की सलाहियत होती है, उसको हम नाम देते हैं एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, द एबिलिटी ऑफ एन एजेंसी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। अब एनर्जी की वैसे तो कई फॉर्म हैं, आप पढ़ते आए हैं। मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड है, हीट है, लाइट है, ये सारी की सारी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। लेकिन यहाँ हम दो मखसूस एनर्जी की फॉर्म जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इनका ताल्लुक जो है मैकेनिकल एनर्जी के साथ है। ये है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। बॉडी जब हरकत करती है, मूव करती है, तो उसमें काम करने की सलाहियत पैदा होती है। तो ये जो मोशन की वजह से काम करने की सलाहियत है बॉडी में, उसको हम नाम देते हैं क्या भाई? काइनेटिक एनर्जी। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक सरफेस है लेकिन फ्रिक्शन लेस नहीं है। इसकी फ्रिक्शन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ये ब्लॉक जो है ये स्टेशनरी है और फिर मैं बताता हूं कि ब्लॉक और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन है। एक बॉल जो है, हैवी बॉल, वो इधर से मूव करती हुई, इधर से मूव करती हुई इसको जाके हिट करती है। तो जब इसको हिट करती है तो ये ब्लॉक जो है ये डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि ये यहाँ से बिलफर्ज डिस्प्लेस होकर यहाँ तक आके रुक जाता है। अब ये देखें कि ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स भी लगी है और इसने डिस्प्लेसमेंट भी तय किया है। अब फोर्स क्यों लगी है? फ्रिक्शन की वजह से। ये फ्रिक्शन इसके दरमियान अगर ना होती तो जाहिर है फोर्स ना लगती। अब ब्लॉक और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसके खिलाफ इसने काम किया है, ये जो हमारी बॉल है इसने वर्क किया है, यानी कि ब्लॉक के ऊपर फोर्स भी लगाई है और ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया है। तो ये इसकी बाल की मोशन की वजह से इसमें काम करने की सलाहियत थी, जिसकी वजह से इसने वर्क किया है और ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है। अगर ये जो हमारी बॉल है ये रुकी होती तो डेफिनेटली ये ब्लॉक को मूव करने की इसमें सलाहियत ना होती। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक को जो मूव करने की एबिलिटी पैदा हुई है बॉल में, वो इसकी मोशन की वजह से हुई है। और इसमें एक और बात भी, बल्कि दो बातें, कि नंबर एक, अगर इस बाल का मास ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा दूर तक इसको घसीट कर ले जा सकती है बॉल, यानी कि ज़्यादा वर्क होगा ब्लॉक के ऊपर। और अगर इसका मास कम होगा तो इसका मतलब ये होगा इसमें काम करने की सलाहियत जो है वो भी कंपैरेटिवली कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड करती है, वो है मास। मास ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की ज़्यादा होगी, काम करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये देखें कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये हमारी बॉल जो है उसका उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो तो भी ये ज़्यादा दूर तक इसको डिस्प्लेस करवा सकता है ब्लॉक को। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका दूसरा फैक्टर जो है उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है, ज़्यादा हो जाती है, या ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ही हिट करती है ब्लॉक को, तो डेफिनेटली उसमें काम करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर जो फार्मूला है, इस मतलब डिफरेंट किस्म के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं और एम सी क्यूज हैं वो बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास जो है वो किसी भी बॉडी का डबल कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। तीन गुना कर देंगे मास तो काइनेटिक एनर्जी थ्री टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और एंड सो ऑन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे जैसे वेलासिटी इंक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी स्केयर टाइम इंक्रीज होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर वेलासिटी दुगना हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह वेलासिटी अगर 3 गुना हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी में 9 टाइम इजाफा हो जाएगा, 9 गुना 9 गुना जो है काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। अब एक और बड़ा दिलचस्प सवाल इसमें बनता है, वो है रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखिए, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह कोरिलेट कर सकते हैं। तो कि काइनेटिक एनर्जी हमने कहा कि हम हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2m के इज इक्वल टू, ये देखिए, 2m मल्टीप्लाई बाय हाफ एम वी स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये आपको पता है पी स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर जो है वो तो 2m के बराबर हुआ, तो लेकिन पी जो होगा 2m के अंडर रूट। तो इस तरह हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि अगर दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक का मास जो है दूसरे के मुकाबले में 4 टाइम ज़्यादा है, तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगी? तो डेफिनेटली जब 4 टाइम मास ज़्यादा होगा तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, मोमेंटम जो है 1:2 की रेशियो उसकी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप डिफरेंट तरीके से इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ जो है बनाए जा सकते हैं। तो बहरहाल अब आगे हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स में अगर एक बॉडी की पर्टिकुलर पोजीशन है, खास पोजीशन है, जिसकी वजह से उसमें काम करने की सलाहियत है, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अच्छा, याद रखें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरह चेंज होती है, पहले इसको देख लेते हैं और फिर दोबारा हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे तो वो किस तरह उसकी वैल्यू जो है MgH के बराबर आती है। तो याद रखें किसी भी फील्ड ऑफ फोर्स में जब वर्क होता है तो वो वर्क उस सिस्टम में, यानी कि जिसमें ये बॉडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनके दरमियान जो वर्क होता है वो वर्क सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारी अर्थ है और ये एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल पर। हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डिस्प्लेस करवाते हुए इस हाइट पे ले जाते हैं। अब इसकी हाइट जो है यानी प्लेटफॉर्म की, वो h के इक्वल है और बिलफर्ज ब्लॉक का मास जो है वो m के बराबर है। अब अगर इस पॉइंट की हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस करवाया, हमने वर्क इसके ऊपर कितना किया। अब देखिए कि वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगी, और वर्क जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, एफ डॉट डी लिख सकते हैं। अब यहाँ एफ जो हम लगा रहे हैं, अच्छा पहली बात तो ये देखें कि हम इसको अपलिफ्ट करवा रहे हैं, तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो भी अपवर्ड है, यानी कि दोनों वैक्टर एक दूसरे के पैरल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये आ जाएगा एफ डी कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 जो है 1 के बराबर होता है, तो वर्क आपके पास एफ डी आ गया। यहाँ एफ मैंने जिससे पहले बताया कि हम ब्लॉक को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपलिफ्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इक्विलिब्रियम में रखते हुए मूव करवा रहे हैं। ये एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, यानी कि जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी ही ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस जब इक्वल और अपोजिट होंगी तो ब्लॉक जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी, और उस सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर होगा, मीन नेट फोर्स 0 के बराबर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब हुआ कि हम उतने ही फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं जितना इसका वेट है। तो एफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू से, और दूसरी बात ये है कि यहाँ से जब यहाँ तक इसको ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस करवाया तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो एच के इक्वल होगी, तो
तो W को mg लिखा जा सकता है h, इसका मतलब हमने इसके ऊपर वर्क किया है mgh। तो याद रखिए यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर थी, जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया है अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जितना हमने इसके ऊपर वर्क किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो mgh माइनस जीरो mgh के बराबर होगा। तो याद रखें हमने इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क किया है तो इसकी एनर्जी में इजाफा होगा। अगर हम नेगेटिव वर्क करते हैं, मीन हम ब्लॉक को नीचे लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों बोला कि हम फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसके ऊपर नेगेटिव वर्क करेंगे बॉडी के ऊपर, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की चेंज नेगेटिव होगी, मीन उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ब्लॉक नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, हम वर्क पॉजिटिव कर रहे हैं। कैसे बोला कि देखें मेरा फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हैं, cos 0 1 के बराबर हुआ तो ये वर्क mgh या fd के बराबर हो गया। अब मैं इसको ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ मेरी फोर्स की डायरेक्शन तो अपवर्ड ही रही लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड हुआ। तो अब मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो है नेगेटिव, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो याद रखें जो मैं बात पहले कह रहा था कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर सिस्टम जो कि मिसाल के तौर पर यहाँ देखें कि ये हमारा सिस्टम बनता है ब्लॉक अर्थ सिस्टम, ये ज़मीन है ये ब्लॉक है, दोनों के दरमियान दो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं सिस्टम के और दोनों के दरमियान फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब फोर्स के यानी ख़ास तौर पर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो है वर्क किया जाता है तो वो वर्क उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ जब फील्ड जो होगा हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ जब हम वर्क करते हैं तो उस वक्त ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मीन ये mgh जो हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करवाया हमने, तो इस पॉइंट पे जो इसमें काम करने की सलाहियत है ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखें अगर हम एक चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को फिक्स करके नेगेटिव चार्ज को मूव करवाते हैं तो डेफिनेटली हमें फिर वर्क करना पड़ेगा। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरह अगर एक स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड है या एलांगेट है, एलांगेट करवा रहे हैं ब्लॉक यहाँ पे ये रेस्टेड है मीन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसके ऊपर कोई भी इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही, लेकिन अगर हम फोर्स लगा के इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करवा देते तो हमने जितना इसके ऊपर वर्क किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस करवाने में वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इनक्रीज करेगा और ये कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो इंशाल्लाह हम 7th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर में हम डिस्कस करेंगे। तो कहना ये चाहता था कि जब भी किसी फील्ड ऑफ फोर्स में वर्क होता है तो वो वर्क उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ देखें हमने कहा कि वर्क जो है वो एफ डॉट डी, एफ डी कॉस ऑफ थीटा जीरो आ गया, तो एफ डी जो है एक्चुअली एफ की जगह डब्ल्यू लिख दें, डी की जगह एच लिख दें, तो ये एम जी एच आ गया। तो ये एम जी एच इस पॉइंट की इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और याद रखें हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो है अर्थ, ज़मीन जो है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है उसको हमने ज़ीरो लिया है, तो तब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एच के बराबर होगी। अब ये देखें कि बाज़ दफ़ा तो हम ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्राउंड के ऊपर ज़ीरो ले लेते हैं यानी कि रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को ले लेते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है, इसमें हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोई भी पॉइंट जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं।
और आगे जो आर्टिकल एक आ रहा है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस पॉइंट है वो उस पॉइंट को लेंगे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो के बराबर हो जाती है। तो बहरहाल मैं कहना ये चाहता था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका पहले हम रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं, उसके रिस्पेक्ट जितना हम सिस्टम पे वर्क करते हैं वो वर्क जो है उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और ये ही स्टोर्ड एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, जिस तरह ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एम जी एच के इक्वल होगी। अब अगली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है उसका एक्चुअली यहाँ तो हमने कहा कि वर्क जो है उसका ताल्लुक जो है पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, तो अब हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के साथ वर्क का क्या ताल्लुक है। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो बेसिकली जब हम किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो ख़ास तौर पर उस वक्त जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि वर्क जो होगा बॉडी के ऊपर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इसके लिए ये देखें, ये एक सरफेस है और ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, इसके फ्रिक्शन ज़ीरो के बराबर, ये स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, इसका मास एम के इक्वल है और ये मूव कर रहा है वी आई वेलोसिटी के साथ, वी आई वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा। अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, यानी कि हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं इसी डायरेक्शन में एफ। तो जब हम एफ लगाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी और ये एफ बिल फर्ज यहां तक इसके ऊपर एक्ट किया है एफ ने, यानी कि ब्लॉक जब यहां पहुंचा है तो ये देखें ये इसने डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की वो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस के बराबर होगी। तो डी डिस्टेंस तक इसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट करवाया है एम को, डिस्प्लेस करवाया है एम को, और इस सिचुएशन में क्या हुआ इसकी वेलोसिटी में इजाफा हो गया। वेलोसिटी पहले वी आई थी अब वी एफ हो गई, तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुई है, इजाफा हुआ है। अब ये जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुई है उसको जाहिर है ये एक्सलरेशन क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो हम इस एक्सलरेशन को दो तरह जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर एक, हमने तीसरी इक्वेशन पढ़ी थी कि 2as जो होता है वो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई की स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो a आपके पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2, और s की जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ d है तो ये लिखेंगे 2d। अब एक एक्सलरेशन की वैल्यू ये होगी, और दूसरा एक्सलरेशन हम निकाल सकते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करके कि F जो होता है वो M और A के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा F ओवर M, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों में A इसकी वैल्यू हमने निकाली है, तो अब ये A जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा F ओवर M इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2d। अब ऐसे करते हैं कि d इधर ले जाते हैं m इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा f इंटू डी इज इक्वल टू m बाई 2 इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये लिखा जा सकता है हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई स्क्वायर, ये f और d के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब देखें इस सिचुएशन में हमारा जो वर्क है वो किसके इक्वल है, फोर्स की डायरेक्शन वही है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डॉट डी जो होगा वो बेसिकली यहाँ एफ डी कॉस ऑफ 0° के बराबर होगा, और कॉस 0 1 होने की वजह से ये एफ डी आ गया। इसका मतलब ये वर्क हुआ जो इस एक्सटर्नल फोर्स ने ब्लॉक के ऊपर किया है। और ये क्या है,
इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट के ऊपर जब इलास्टिसिटी इसकी vf होगी, और ये क्या है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वर्क जो बॉडी के ऊपर हुआ है वो kf माइनस ki की इक्वल होगा इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम कहते हैं कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट है बेसिकली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की, कि किसी बॉडी के ऊपर जब वर्क होता है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, और वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले तो हमने कहा था कि वर्क जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ हमने कहा कि वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर सिंपली इसको समझा जाए तो अगर तो सिचुएशन ये है, यानी कि हमारे सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो उस वक्त क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो सारे का सारा वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और इसी तरह अगर हम वर्टिकली ब्लॉक को अपलिफ्ट करवाते हैं तो उस वक्त इसका सारे का सारा जो हमने वर्क किया, जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब इसके इन बिटवीन भी कोई सिचुएशन जो है वो हो सकती है, तो मेरे ख्याल में ये बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि अगर प्लेन हमारा इस तरह है, इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो अब अगर यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो अब इसका जो वर्क होगा वो दो एनर्जीज की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। नंबर एक, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, नंबर दो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगी। तो सिंपल बात क्या हुई कि वर्क जो होता है सिस्टम पे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये बात आज की किताब में फिलहाल तो यहाँ नहीं बताएगी, लेकिन छठे चैप्टर में जब हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त ये बात भी हमारे सामने आएगी कि वर्क जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा।